बड़ी खबर के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए लेवल की बातचीत होगी। आपको बता दें, इससे पहले ये बातचीत संकट में पड़ती नजर आ रही थी, जो बीते दिनों सीमा पर जिस तरह का तनाव देखने को मिला उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये रुक सकता है, खासतौर पर पंजाब में जो हमला हुआ उसके बाद। लेकिन अब 23 और 24 अगस्त को दिल्ली में एनएसए लेवल की बातचीत होगी। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस बैठक में जुटेंगे, बातचीत होगी। इस बातचीत पर संकट आ रहा था, खासतौर पर गुरदासपुर में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद देश भर में विरोध के स्वर उठे थे, और ये कहा गया था कि जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद के हमले भारत पर नहीं रुक रहे तो फिर बातचीत का क्या अर्थ है। लेकिन अब बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली में ये बातचीत होगी 23 और 24 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, सरकार इस मसले पर आगे बढ़ रही है, कदम वापस नहीं खींचे हैं, यानी बातचीत आगे होगी। बार बार जो बात उठती है शांति और बातचीत को लेकर की बात होती रहनी चाहिए, इस पर यह कदम सरकार की तरफ से आगे बढ़ाया गया है। 23 और 24 अगस्त का वक्त तय किया गया है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये बैठक होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच ये बातचीत होगी। पहले से तय थी ये बातचीत, लेकिन आतंकवादी हमलों को देखते हुए इस बातचीत को टालने की बातें सामने आ रही थी। अजीत डोवाल और अजीज सरताज, इनके बीच ये बातचीत होगी, दोनों शामिल होंगे। तो इसे एक अहम बैठक के तौर पर देखा जा सकता है जो दोनों देशों के बीच होगी। दिल्ली में ये बैठक होगी 23 और 24 अगस्त, यानी तारीख अब सामने आ गई है। इससे पहले कयास लगातार ये लग रहे थे कि इस हमले के बाद क्या बातचीत टल सकती है, या भारत इससे कदम वापस ले सकता है पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन लेते हुए, पाकिस्तान पर अपना सख्त रुख जाहिर करते हुए। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान के साथ बातचीत को रोका नहीं जाएगा। एनएसए लेवल की ये बातचीत दोनों देशों के बीच होगी, इसमें भारत की तरफ से अजीत डोवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे, साथ ही पाकिस्तान की तरफ से अजीज सरताज।